तेलंगाणा मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चूंटणी योजवानी छे त्यारे भाजपे अनेक राज्य में तेना संगठन में फेरफार कर्यो छे। भाजप तरफ से जारी करवामां आवेल सूचि में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्रीओ समावेश करवामां आव्यो छे। राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने और छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम रमण सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जवाबदारी सौंपवामां आवी छे। मणिपुर में थयेली हिंसा ने घर्षण की स्थिति की समीक्षा करने विपक्षी दलों संसद लोकसभा और राज्यसभा में भारत सूत्रोच्चार होबाड़ो करो साथ साथ आ मुद्दे पीएम मोदी निवेदन की मांग की है। आ विषय बात करता आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ताए जणाव्युं कि अमे मणिपुर हिंसा पीड़ित लोग ने मळी तेमनी स्थिति रिपोर्ट संसद समक्ष रजू करवा मांगीए छीए। केन्द्रीय माहिती और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरे जणाव्युं छे कि इंडिया गठबंधन साथ संकळायेला विक्स सांसद सभ्योनी मणिपुरनी यात्रा मात्र देखावो छे। विपक्षी दलों शासन में ज्यारे मणिपुर में हिंसा थती हती त्यारे तेओ मौन रहता हता। गठबंधन सभ्य सांसद अधीररंजन चौधरी ज्यारे मणिपुर में परत फरशे तो शुं तेओ पश्चिम बंगाल की मुलाकात लेशे। बिहारना कटिहार जिल्ला में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार जणाव्युं छे कि 26 जुलाई रोज वीज पुरवठानी सुविधा मुद्दे विरोध प्रदर्शन में थयेला गोळीबार पर जे पुलिस नहीं परंतु केटलाक अजाण्या हुमलाखोरोए कर्यो हतो। गोळीबार में आ घटना में कुल 2 लोकोना मौत थया हता। पटना पुलिस हेडक्वार्टर थी मळेली माहिती प्रमाणे बारसोय पुलिस स्टेशन में मात्र 100 मीटर दूर ज गोळीबार की घटना सर्जाता पुलिस और वीज पुरवठा विभाग कुल 2 डजन थी वधु कर्मचारी इजाग्रस्त थया हता। जम्मू काश्मीर उधमपुर में रामनगर विस्तार में नदी पर आवेलो फुटब्रिज क्षतिग्रस्त थता स्थानिक लोकोए भारे हालाकी सामनो करवो पड्यो। आ विषय बात करता सरपंच बलवान सिंह जणाव्यु छे कि 10 दिवस पहला पूरनी स्थिति ने कारण जे फुटब्रिज क्षतिग्रस्त थयो हतो ने त्यारबाद तेनो अर्धो भाग धराशाय थयो। ब्रिजना तूटी जवाने कारण बाळकोने भारे हालाकी सामनो करवो पड्यो। हिमाचल प्रदेश में हवामान कहर यथावत है। भारे वरसाद भूस्खलन ने कारण 4 राष्ट्रीय धोरीमार्ग और 468 रस्ताओ अवर जवर माटे बंद कराया है। नदीनाळाओ उभराई रहा है। गुरुवार रात्र हमीरपुर दरबियार पंचायत में एक मकान तूटी पड़ता एक परिवार 6 सभ्य दटाया था। ग्रामजनों भारे जहमत बाद सलामत रीते तमाम ने बाहर काढ़या था। तेलंगाणा भद्र चाल में गोदावरी नदी ये भयजनक सपाटी वटावी है। आ स्थिति ने ध्यान में रखता जिला में अधिकारी ने हाई अलर्ट राखवामां आव्या छे। नदी जलस्तर वधीने 54 मीटर पर पार पहुंच्यू छे। असरग्रस्त विस्तारों में रहता लोगों ने राहत केन्द्रों और शिबिरों में खसेड़वामां आव्या छे। दिल्ली नोएडा और तेना आसपासना क्षेत्र में हलवा थी मध्यम प्रमाण में वरसाद पड्यो छे। हवामान विभागे दिल्ली एनसीआर रेवाड़ी बाबाल बुंदेल शहर सहित अनेक शहरों में वरसाद पड़वाने आगाही करी छे। 28 जुलाई रोज दिल्ली ना सिविल लाइन्स लक्ष्मीनगर लाजपत नगर सहित विस्तारों में भारे वरसाद पड़ो हतो। आ साथ ज जसोला अने ओखला में पण वादळछायुं वातावरण रह्युं। केन्द्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाए ग्वालियर में महाराजवाड़ा में आवेला इमामवाड़ा की मुलाकात करी। सिंधियाए बातचीत करता जणाव्युं छे कि तेओ गोरखी परंपरा ने जाळवी राखवा माटे आव्या छे। ग्वालियरनो पहेलो ताजियो पण आ प्रांगणमां राखवामां आव्यो हतो। अमारी प्रार्थना छे कि प्रदेश सुख शांति अने विकासना पथ पर आगळ वधे। राजस्थानना अनेक क्षेत्रमां वरसादी सिस्टम सक्रिय थई छे। प्रदेशना जयपुर जोधपुर अजमेर अने उदयपुरमां सारो वरसाद पड्यो। आ शहरों में हलवा थी मध्यम प्रमाण में वरसादी झापटा पड़ा है। जयपुर में वरसाद ने कारण अनेक नीचाणवाड़ा विस्तारों में कूंकण सामा पानी भराया। जयपुर हवामान विभागे जणाव्युं छे कि अजमेर जयपुर भरतपुर और कोटा सहित पूर्वी राजस्थान में वरसाद पड़वानी संभावना छे। दिल्ली एम्स डॉक्टर जीवन सिंह तितियाले जणाव्युं छे कि दर वर्षे चोमासानी सीजन दरमियान आँखों आवानी बीमारी फैलाय छे परंतु आ वखते रोग वधु फैलाता लोको
ने जागृत થવું પડશે। સામાન્ય રીતે વગર દવાએ પણ આંખની આ સમસ્યા 1 થી 2 સપ્તાહના સમયગાળા દરમિયાન આપમેળે ઠીક થઈ જતી હોય છે। આ બીમારી દર્દીની સામે જુવાથી ફેલાતી નથી, પરંતુ તેના સંપર્કમાં આબાથી ફેલાય છે। આંખો આવવાની સમસ્યાને કારણે લોકોની આંખ લાલ થાય છે, આંખોમાં ખંજવાળ અને સોજા પણ આવે છે। महाराष्ट्र बुलडाणा में नागपुर मुंबई हाईवे पर मलकापुर पास एक भयानक मार्ग अकस्मात सर्जायो। बे खानगी ट्रावेल्स कंपनी की बसों वच्चे अकस्मात थता छह लोगों ना मौत थया छे, जारे 25 थी वधु मुसाफरो घायल थया छे, जेमने विविध हॉस्पिटल में सारवार चाली रही है। मृत्युआंक वधे तेवी पण संभावना छे। पुलिस अने प्रशासन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा था। દિલ્હીના માયાપુરી વિસ્તારમાં આવેલ ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે। આગ પર કાબુ મેળવવા માટે 28 ફાયર ફાઈટરને મોકલવામાં આવ્યા। આ વિશે વાત કરતા ફાયર વિભાગના અધિકારી એકે મલિકે જણાવ્યું હતું કે 28મી જુલાઈના રોજ સાંજે 8:30 વાગે ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની જાણ થઈ હતી। ફાયર વિભાગની ટીમે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો। કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું છે કે દરેક મુદ્દા પર રાજનીતિ કરવી જોઈએ નહીં। મણિપુરમાં છેલ્લા 3 મહિનાથી હિંસા થઈ રહી છે, તેમ છતાં વડાપ્રધાન મોદીએ એક પણ વખત પ્રદેશની મુલાકાત લીધી નથી। પીએમ મોદીએ મણિપુરવાસીઓ પ્રત્યે સંવેદના કે શાંતિ રાખવાની અપીલ કરી નથી। મણિપુરના લોકોને જે તકલીફ અને પીડાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તે તેમની જાણ બહાર છે। બ્રિટનના હાઈ કમિશનર એલેક્સ એલિસે જણાવ્યું હતું કે બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક સપ્ટેમ્બરમાં નવી દિલ્હીમાં યોજાનારી G20 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છે। વધુમાં તેમણે ભારતની વાયબ્રન્ટ સંસ્કૃતિ અને વિવિધતાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું છે કે તે વિશ્વભરના લોકોને તે આકર્ષિત કરે છે। એલિસે જણાવ્યું છે કે ભારત G20ની અધ્યક્ષતા કરે છે તે એક મહાન બાબત છે। 1 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ ભારતે G20નું પ્રમુખ પદ સંભાળ્યું હતું। આરએસએસના સરકાર્યવાહ દત્તાત્રેય હોસબલે સંસ્થાનવાદી વિચારધારા અંગે મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે અંગ્રેજો ભારત છોડી દીધું, પરંતુ તેમના એજન્ડો શિક્ષણવિદો યુનિવર્સિટીઓ અને અભિપ્રાય નિર્માતાઓએ દેશને સંસ્થાનવાદી વિચારધારામાંથી મુક્ત થવા દીધો નથી। ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્ર જે સમસ્યાનો સામનો કરે છે તેનું પ્રાથમિક કારણ બહુરાષ્ટ્રીય રાજ્યોનો વિચાર છે। હોસબલે વધુમાં કહ્યું હતું કે જો કોઈ પણ કથા પુસ્તક અંગ્રેજીમાં લખાયું હોય તો તે દિલ્હીના ખાન માર્કેટમાં વેચાણ માટે મુકાય છે। શક્તિસિંહ ગોહિલ પ્રમુખ બન્યા બાદ એક પછી એક નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડી રહ્યા છે, ત્યારે હવે એનસીપીના નેતા આકાશ સરકાર મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે। આકાશ સરકાર શક્તિસિંહ ગોહિલની હાજરીમાં કોંગ્રેસનો કેસ ધારણ કર્યો। શક્તિસિંહ ગોહિલ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા બાદ કોંગ્રેસમાં ભરતી મેળો જામ્યો છે। સાબરકાંઠામાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત મેરી માટી મેરા દેશ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં દરેક ગ્રામ પંચાયતને 100 સેલ્ફી લઈ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। આ અંગે હિંમતનગર તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે તાલુકાની દરેક ગ્રામ પંચાયતને સ્મારક અને તકનીકી નિર્માણ માટે આદેશ આપ્યા છે। રિલાયન્સ ગ્રુપના પરિમલ નથવાણી દ્વારકા પહોંચી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા। નથવાણીએ શારદાપીઠમાં શંકરાચાર્યજીના આશીર્વાદ મેળવી ધન્યતા અનુભવી। પરિમળ નથવાણીએ મુકેશ અંબાણીની કોર કમિટીમાં સામેલ છે। ધીરુભાઈના વિશ્વાસુ ગણાતા પરિમળ નથવાણી વર્ષ 1916માં કોર્પોરેટ અફેર્સના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હતા, અને સાથે જ નથવાણી દ્વારકા અને નાથવાર જેવા મંદિરોના બોર્ડના પણ સભ્ય છે। દ્વારકાધીશ મંદિર શિખર પર ધ્વજાનો દંડ તૂટ્યો છે। ગયા વર્ષે વીજળી પડવાને કારણે દંડ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો, જેને કારણે જે મંદિર શિખર પરનો ધ્વજા દંડ હતો તે તૂટ્યો છે। આજે દંડ તૂટી જવા પામ્યો છે, જેના કારણે નવો દંડ મંદિર શિખર પર લગાવવામાં આવ્યો। નવો દંડ ન લાગે ત્યાં સુધી ધ્વજા અડધી કાંઠીએ ચડાવવામાં આવશે। અંબાજી ગબ્બર સ્થિત રોપવેની સુવિધા બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। મેન્ટેનન્સની કામગીરીને લઈને આગામી તારીખ 2 ઓગસ્ટથી 5 ઓગસ્ટ સુધી રોપવે સેવા બંધ રહેશે।
मोटी संख्या में दर्शनार्थी रोपवे सुविधा उपयोग करता होने कारण दर वर्षे रोपवे की मेंटेनेंस कामगिरी कर दर्शनार्थी सुरक्षा और सलामती ने ध्यान में राखी आ कामगिरी कराई छे। हवामान विभाग द्वारा आगामी 24 कलाक में सूरत डांग नवसारी और तापी में भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। जो कि हाल राज्य में कोई सीस्टम सक्रिय न होने कारण 24 कलाक बाद अमदावाद सहित समग्र राज्य में छूटो छवायो वरसाद रहेशे। आ दरमियान दरियाई सीमा साथ जमीन सीमा पर भारे पवन ने कारण 5 दिवस फिशरमेन ने वॉर्निंग आपवामां आवी छे। हवामान विभाग द्वारा 5 दिवस राज्य अनेक विस्तारों में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। ते अनुसार आज राज्य पाटनगर गांधीनगर में धोधमार वरसाद शुरू थयो। सवारथी ज गांधीनगर में छूटो छवायो वरसाद जोवा मळ्यो। शहर में थई रहेला वरसाद ने पगले पाटनगर में प्रकृति सोळे कड़ाए खीली उठी छे, साथ ज वातावरण पण खुशनुमा बन्यु छे। राज्य में हाल सीजन सारो वरसाद छे, त्यारे राज्य में नदियों और जलाशयों में पानी की भरपूर आवक थई छे। सारा वरसाद ने पहले हळवद नो जे शक्ति सागर ब्राह्मणी बे डेम ओवरफ्लो थयो छे। डेम 100% जेटलो भरायो छे। डेमनो एक दरवाजो खोलाता 9 गामों ने अलर्ट कराया छे। नवसारी जिल्ला में 2 दिवस में 11 इंच थी वधु वरसाद वर्ष्यो छे, जेने पगले नवसारी ना सांसद अने प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल रिव्यू मीटिंग माटे नवसारी पहुंचा था। त्यां तेमणे नवसारी जिला कलेक्टर जिला पुलिस वड़ा अने अन्य उच्च अधिकारी साथे रिव्यू बैठक योजी समग्र परिस्थिति नो चितार मेळव्यो। नवसारी शहर में धोधमार 11 इंच वरसाद बाद पूर्णा नदी में पूर आता नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी फरी वळ्या छे। शहर में पूर की स्थिति ने कारण 1300 वधु लोगों सुरक्षित स्थले स्थलांतर करवामां आव्युं। पूरना पाणी ओसर्या बाद जिला कलेक्टरे निवेदन आपी तंत्रनी कामगीरी पर प्रकाश पाड्यो हतो। डांग जिल्लामां चोमासाना प्रारंभ साथे ज मेघमहेर जोवा मळी रही छे। हवामान विभाग द्वारा समग्र गुजरातना केटलाक विस्तारोमां छूटा छवाया वरसादनी आगाही करी छे, ज्यारे केटलाक विस्तारोमां वरसादनुं जोर घटशे तेवी पण आगाही छे। डांग जिल्लामां छेल्ला 24 कलाक दरमियान सुबीर तालुकामां 1.5 इंच तथा सापुतारामां 1 इंच वरसाद पड्यो छे, ज्यारे आहवा अने वदेश सहितना विस्तारोमां वरसादी जोर घटता छूटा छवाया हळवा वरसादी झापटा पड्या। गुजरात में आ वर्षे चोमासानी सीजन में सरेराश 26 इंच साथ 76% वरसाद नोंधायो छे। सारा वरसाद ने पगले गुजरात जलाशयों में जलस्तर में वधारो थता 68% जेटलो वधारो नोंधायो छे। गुजरात 68 जलाशयों में जलस्तर 90% थी वधी जता हाई एलर्ट करवामां आव्या छे। तो राज्य 61 जलाशयों हाल संपूर्ण भराया छे। हाल गुजरात में ज्यारे शाकभाजीना भाव आसमान छे, त्यारे दरेक फ्लेट के सोसायटी में शाकभाजी की खरीदी होलसेल भाव में करे तो छूटक व्यापारी द्वारा 100% नफो चढ़ावी शाकभाजी वेचवानी प्रवृत्ति पर रोक लगावी शकाय छे। जो कि दरेक सोसायटी सहियारी खरीदी करे तो तेओने 50% शाकभाजी सस्ती पड़ी शके छे। छूटक व्यापारी वधु नफो कमावा माटे ग्राहक जोई भाव नक्की करे छे। आ समस्याथी मोटी सोसायटीना रहेवासीओ सहियारी खरीदी करी छूटकारो मेळवी शके छे। दक्षिण गुजरात की जीवादोरी उकाई डेम की सपाटी रूल लेवल नजीक पहुंची है। डेम की हाल की सपाटी रूल लेवल थी मात्र 1.5 फूट दूर है। डेम में चालू मसन रूल लेवल 333 फूट है। जो कि हाल डेम उपरवास में 44,000 क्यूसेक पानी की आवक थता डेम की सपाटी 331.41 फूट पर पहुंची है। उकाई डेम में केनल मार्फते 800 क्यूसेक पानी छोड़वामां आवी रह्युं छे। ऊंझा एपीएमसी की हड़ताल आज 4थो दिवस है। 4था दिवसे हड़ताल समेटाई गई है। सहकार मंत्रीए कायदा की मर्यादा में योग्य कार्यवाही कर व्यापारी हित में निर्णय लेवानी बाहेदरी आपता व्यापारी हड़ताल समेटी 133 दुकान मालिकी हक मुद्दे व्यापारी छेल्ला 4 दिवस हड़ताल पर था। जे बाद तमाम व्यापारी ऊंझा धारासभ्य किरीट पटेल और एपीएमसी चेरमेन दिनेश पटेल सहकार मंत्री साथ मुलाकात करी थी। राजकोट में बनेला नवनिर्मित हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचवू मोघू पड़े।
टैक्सी एसोसिएशन द्वारा निर्णय लेवामां आव्यो छे, ज्यां टैक्सीनुं न्यूनतम भाड़ू 2000 रूपया नक्की करवामां आव्यु छे। तो आंगे टैक्सी एसोसिएशनना होद्देदार द्वारा निवेदन आपवामां आव्यु छे कि ज्यां तेमना द्वारा जणाववामां आव्यु के ड्राइवरनुं भथ્થું अने ईंधणना भावने ध्यानमां लईने आ निर्णय करायो छे। અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર થોડા સમય પહેલા શરૂ થયેલ કાયાકિંગમાં મહિલાને કડવો અનુભવ થયો છે, જ્યાં બોટિંગ દરમિયાન બોટ ઊંધી થઈ જતા બોટમાં સવાર મહિલા નદીમાં ખાબકી હતી। આ બનાવ અંગે જાણ થતાં મહિલાને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી। હાલમાં જો ઓરિસ્સા ટ્રેન દુર્ઘટના જેવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે રેલવે તંત્ર દ્વારા રેલવે ટ્રેક પર સુરક્ષા કવચની કામગીરી કરાઈ રહી છે। ट्रेन दुर्घटना निवारवा माटे ब्रह्मास्त्र गणाता एवा कवचनी कामगीरी वडोदरामां कराई रही छे, जेमां एंजिनोमां कवच सिस्टम कार्यरत करवामां आवी रह्या छे। सूरतथी अमदावाद वच्चे 229 किमीमां कवचनी कामगीरी माटे 141 करोड़नुं बजेट मंजूर करायुं छे। बनासकांठा शैक्षणिक स्टाफ ने भर्ती ने लेने शिक्षकों मैदाने आव्या छे। बाबर सुईगाम बावना शिक्षकों सहित बनासकांठा जिल्लाना शैक्षणिक संघ संकलन समिति ने बाबरना धारासभ्य ज्ञानीबेन ठाकुर ने आवेदन पत्र आप्यु छे। आवेदन पत्र में आचार्य शिक्षक वहीवटी कर्मचारियों की निमणूक अने तेमनी भर्ती करवा रजूआत कराई छे। जूनागढ़ माळिया हाटीना मातरवणिया गामे बाळकी गुम थवाने मामले बाळकीनी माताए ज बाळकीने नदीमां फेंकी दीधी होवानुं सामे आव्युं छे। बाळकीनी माताए तेमना परिवारनो त्रास आपता होवाने कारणे जे बाळकीने पण त्रास आपे तेवुं मानीए माताए बाळकीने नदीमां फेंकी दीधी हत्या करी। अमदावादना असरवा सिविल होस्पिटलमां जप्तमांथी आरोपी फरार थयो छे। आरोपी प्रकाश पटणी सिविलमां सारवार अर्थे लवायो हतो, जे सारवार दरमियान आरोपी टॉयलेटना त्रीजा माळेथी बारी तोड़ी फरार थयो छे, त्यारे हवे अमदावाद पोलीसे फरार आरोपीनी शोधखोळ शुरू करी छे। ધોરાજીના રસુલપરા વિસ્તારમાં તાજિયા જુલુસ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગતા ચાર યુવાનો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમને પ્રથમ ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ ઇમરજન્સીમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। સમગ્ર બનાવને પગલે હોસ્પિટલમાં ભારે આક્રોશ સાથે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા। गांधीनगर खाते कौशल्य विकास मंत्री बळवंतसिंह राजपूतनी हाजरी में कौशल्य द स्किल यूनिवर्सिटी और अग्रणीय औद्योगिक एकमों वच्चे एमओयू साइन करवामां आव्या छे। आ समारोह दरमियान एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, गोल्डी सोलार प्राइवेट लिमिटेड तेमज साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सहित अनेक तालीम संस्थाओं साथे तेमना कार्यक्षेत्र में वार्षिक 2300 जेटला तालीमार्थीओने तालीम आपवा अंगे एमओयू कराया है।